हेलो ऑटो फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो एंड गेट रेडी डाइव इनटू द ऑटोमोबाइल नॉलेज ओशियन। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कोरियन ऑटो जाइंट की, हाँ जी हुंडई की, जिसकी इंडिया में सेल्स के बारे में तो आप सबको पता ही है। और वक्त के साथ साथ इंडियन कस्टमर्स हुंडई पर और ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, और इसके पीछे में भी रीज़न हो सकता है उनकी ऑफरिंग्स जो कार में वो देने लगे हैं, जैसे लेटेस्ट फीचर्स एंड गैजेट्स और सम सीरियस पावरफुल इंजन्स। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हुंडई के वो सब इंजन की जो वो इंडिया में ऑफर करते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और ऑटो फिक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी पेट्रोल मोटर्स की। नंबर वन, शुरुआत करते हैं हुंडई के बेड़े में से उनके सबसे स्मॉलेस्ट इंजन की, जो है 1.1 लीटर का G4 HG इंजन। तो ये हुंडई का स्मॉल इंजन प्रोड्यूस करता है 69 bhp की मैक्सिमम पावर और 99 न्यूटन मीटर की डिसेंट टॉर्क। वैसे ये पावर फिगर्स ही सिर्फ काफ़ी नहीं है इस इंजन को सही से जानने के लिए, तो ये मोटर एक ओनली 4 सिलेंडर इंजन है जो इस प्राइस पॉइंट पर आता है, और इसकी रिफाइनमेंट भी काफ़ी अच्छी है। और अगर बात करें इस इंजन की, तो ये वैसे पेपर्स पर तो लेस पावरफुल दिखता है, और ये इंजन आपको हुंडई की सेंट्रो में देखने को मिलेगा। नंबर टू, 1.2 लीटर कापा G4 LA। अब थोड़ा आगे बढ़ें तो 1.2 लीटर कापा G4 LA इंजन की, तो जैसे कि ये पिछले इंजन से क्यूबिक कैपेसिटी में भी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसकी टॉर्क और पावर में भी इंक्रीज ही होगा। और ये एक बेहतरीन रिफाइंड मोटर है हुंडई की तरफ से, और ये इंजन जनरेट करता है 82 bhp की पावर और 140 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और अगर इस इंजन की आउटपुट की बात करूं तो ये इंजन आगे है अपने राइवल से, और इस इंजन को आप हुंडई का फेवरेट इंजन भी कह सकते हो, क्योंकि ये इंजन हुंडई की बहुत सारी कार्स को पावर देता है, जैसे ग्रैंड i10 नियोस, ऑरा, i20 और वेन्यू। नंबर थ्री, 1.0 लीटर TCI G3 LB। तो हुंडई कोई पहली कार मेकर नहीं है जो इंडिया में स्मॉल कैपेसिटी टर्बो पेट्रोल इंजन लेकर आई है, लेकिन वो हुंडई ही थी जिसकी वजह से इंजन को डाउनसाइज करना फेमस हुआ। और ये 1.0 लीटर TCI इंजन उन इंजन्स में से है जो इंडियन मार्केट के अंदर सबसे पहले एंटर करे आफ्टर TGDI, और इसे हम सीक्वल भी कह सकते हैं 1.0 लीटर TGDI इंजन की। और अगर हम बात करें इसकी पावर की, तो ये स्मॉल इंजन पावर जनरेट करता है 99 bhp की और 172 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और ये मोटर ग्रैंड i10 नियोस में कसम से एक थ्रिल फील कराती है। और आपको एक ज्ञान की बात बताऊं कि ये सेम इंजन इंटरनेशनल मार्केट में ग्रैंड i10 N लाइन में भी यूज़ होता है, वो भी सेम स्टेट ऑफ ट्यून में। नंबर फोर, 1.0 लीटर TGDI G3 LC। और अब बात करते हैं हुंडई के सबसे पहले टर्बो पेट्रोल इंजन की जो इंडियन मार्केट में आया। और जैसे कि दूसरे टर्बो पेट्रोल इंजन है, वैसे ही ये इंजन भी 3 सिलेंडर मोटर है, और ये थोड़ी हाई पावर जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू TCI इंजन। और ये जनरेट करता है 118 हॉर्स पावर और 172 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और ये हुंडई ने सबसे पहली बार हुंडई वेन्यू में यूज़ करा था इंडिया के अंदर। और अगर इसकी एक और खासियत बताऊं तो ये इंजन बाकी 3 सिलेंडर इंजन के कंपेयर में काफ़ी रिफाइंड है। और जब इंडियन इस इंजन के साथ फेमिलियर होने लगे, तो हुंडई भी इस सेम इंजन को दूसरी कार में भी ऑफर करने लगे। और ऐसे ही हुंडई इस इंजन को नेक्स्ट जनरेशन वरना और हुंडई i20 में भी देने लगे। नंबर फाइव, 1.5 लीटर MPI G4 FL। अगले इंजन की बात करते हैं जो हुंडई की बहुत सी कार्स में यूज़ होता है। 1.5 लीटर MPI हुंडई वर्ना और हुंडई क्रेटा में इंजन यूज़ होता है, और यही सेम किया की कार्स में भी कॉमन है। और आगे बात करें तो अपने कंपटीशन के कंपेयर में ये श्योरली टॉप पर है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं है। और बात जब पावर की आई है, तो ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जनरेट करता है 113 bhp की पावर, और यही इंजन प्रोड्यूस करता है 144 न्यूटन मीटर की टॉर्क। इस इंजन में वैसे इतना कुछ खास नहीं अपार्ट फ्रॉम इट्स रिफाइनमेंट, और इसकी डिसएडवांटेजेस में एक चीज़ है कि ये इतना फ्यूल एफिशिएंट इंजन नहीं है। नंबर सिक्स, 1.4 लीटर TGDI। जब हुंडई का 1.0 लीटर TGDI सक्सेस कर गया, तो हुंडई उसका एक बिगर वर्जन निकाला जो और ज़्यादा पावरफुल था, और ये इंजन इतना सक्षम है कि वो 130 bhp और 242 न्यूटन मीटर की टॉर्क रिलीज करता है। और ये इंजन इंडिया की टॉप सेलिंग SUV हुंडई क्रेटा में इसके फ्रंट व्हील्स को पावर देता है। नंबर सेवन,
2.0 लीटर G4 NH। Hyundai के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा इंजन और जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है इनका 2.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड GDNH इंजन। और ये ह्यूज इंजन Hyundai की दो बड़ी SUVs को पावर देता है, Hyundai Tucson और अभी हाल ही में लॉन्च Hyundai Alcazar। और अगर इन SUVs के साइज से कंपेयर करें तो ये इंजन उन SUV के लिए एकदम फिट इंजन है। और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 154 bhp की मैक्सिमम पावर और 195 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क, जिसकी वजह से Hyundai की Alcazar 0 से 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 10 सेकंड्स के अंडर अचीव कर लेती है। अब बात करते हैं Hyundai के डीजल पावर ट्रेन की। नंबर 1.2 लीटर U2 D3 FB। चलो अब फोकस करते हैं Hyundai के टर्बो डीजल इंजन की तरफ। और ये कोरियन कार मेकर उन सिलेक्टेड कार ब्रांड में से है जो स्मॉल डीजल इंजन ऑफर करते हैं। और इनका एंट्री लेवल डीजल इंजन है 1.2 लीटर U2 D3 FB। ये 3 सिलेंडर इंजन Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस और इनकी कॉम्पैक्ट सेडान ओरा में भी यही यूज होता है। और अगर आप इन दोनों कार्स को ड्राइव करके फील करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये कोई 3 सिलेंडर इंजन है, क्योंकि Hyundai के इंजीनियर्स ने ऐसा काम करा है कि ये इंजन बहुत ही रिफाइंड फील होता है। और इसमें आपको वो टर्बो किक भी मिलेगा। और अगर इसकी पावर आउटपुट की बात करें तो ये इंजन जनरेट करता है 74 bhp की पावर और 190 न्यूटन मीटर की टॉर्क। नंबर 2, 1.5 लीटर U2 CRDI। अब बात करते हैं उस इंजन की जो Hyundai की बहुत सी व्हीकल्स में यूज होता है। और ये 1.5 लीटर का U2 CRDI 4 सिलेंडर इंजन है जो 113 bhp की पावर और 215 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इंडिया में ये 1.5 लीटर इंजन 2 स्टेट ऑफ ट्यून्स में आता है, जो कि एक कांस्टेंट ज्योमेट्री टर्बो के साथ आता है और एक VGT यानी वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो के साथ। और नेचुरली सी बात है, VGT टर्बो में ज्यादा पावरफुल है। और बात करें इसके दूसरे ट्यूनअप स्टेट की तो ये इंजन 99 bhp की मैक्सिमम पावर और 240 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। Hyundai i20 और Hyundai Venue में ये 99 bhp ट्यून स्टेट में आता है। और दूसरी तरफ Hyundai Verna और Creta और न्यूली लॉन्च Alcazar में ये 113 bhp की पावर वाली ट्यून अप स्टेट में आता है। नंबर 3, 2.0 लीटर R2.0 D4 HA। Hyundai का सबसे पावरफुल डीजल इंजन यही है जो आप इंडिया में बाय कर सकते हो। ये 2.0 लीटर का R2.0 D4 HA इंजन, ये 4 सिलेंडर डीजल इंजन है जो कंपनी की फ्लैगशिप SUV Hyundai Tucson को पावर देता है। और अगर इस पावरफुल इंजन की पावर की बात करें तो ये 182 bhp की पावर जनरेट करता है। और इसकी टॉर्क फिगर काफी मैसिव है, यानी 400 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंजन के साथ आपको 4-व्हील ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन भी मिलता है। Hyundai का इंडिया में वैसे इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी अवेलेबल है Hyundai Kona में, और इसे बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। और Hyundai ही सबसे पहला इंटरनेशनल ब्रांड था इंडिया में, वरना महिंद्रा और टाटा ने इससे पहले अपनी EVs इंडिया में उतार दी थी। और Hyundai Kona में जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो 134 bhp की पावर और 395 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और अगर कार का बॉडी रेशियो देखा जाए तो इतनी स्मॉल कार के हिसाब से ये मोटर ब्रिलियंट पावर टू वेट रेशियो प्रोवाइड करती है। तो यही थी Hyundai की पावर ट्रेन जो इंडिया में इस वक्त अवेलेबल है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऑटो फिक्शन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए ऐसे ही कनेक्टेड रहने के लिए ऑटो फिक्शन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।